क्या हरियाणा में सत्ता के लिए बीजेपी को दागी गोपाल कांडा कबूल है? 6 विधायकों का समर्थन हासिल करने में जुटे मनोहर लाल खट्टर कांडा को लेकर खामोश हैं, वहीं कांडा खुद को आरएसएस परिवार का बता रहे हैं और खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया कि हरियाणा प्रदेश भी अच्छे से विकास की ओर अग्रसर हो। आपको बता के करेंगे। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड कांड का आरोपी गोपाल कांडा जहां बीजेपी को खुलकर समर्थन कर रहा है, वहीं मनोहर लाल खट्टर उसके समर्थन पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी खामोशी बता रही है कि तिहाड़ रिटर्न कांडा पर बीजेपी पशुपेश में है। दरअसल गीतिका सुसाइड केस में कांडा की गिरफ्तारी और भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार से बर्खास्तगी को लेकर बीजेपी एक समय पर सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं आज भी कांडा के खिलाफ गीतिका को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला कोर्ट में चल रहा है, जो सबूत जुटाने के स्टेज पर है, भले ही कांडा इस केस को झूठा बता रहा है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि चार्जेस तो एक इल्जाम किसी पे भी कोई लगा सकता है, कहीं कोई चीज आज तक मेरे खिलाफ प्रूफ नहीं हुआ, ये आपको मालूम है, सच्चाई जो भी है। वही सच तो ये है कि गीतिका ने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा पर उकसाने का आरोप लगाया था। वहीं 6 महीने बाद उनकी मां ने भी खुदकुशी कर ली और उन्होंने भी सुसाइड नोट में कांडा को ही आरोपी ठहराया। परिवार में दो दर्दनाक मौतों को देख चुके गीतिका के भाई अंकित सदमे में है। उन्होंने बीजेपी से गंभीर सवाल किए हैं। फाइल का कोई सीट नहीं है, 7 साल से ये केस चल रहा है, हम हर केस की डेट पे जाते हैं और कुछ नहीं हो रहा होता, वहाँ पे सिर्फ 1 घंटा टाइम पास होता है, हम वापस आ जाते हैं। अगर ये हाल अभी वो मंत्री नहीं था तो ये हाल था। अब ये सोचिए कि जब ये मंत्री बनेगा तो ये तो इसको केस को तो लड़ने का फायदा ही नहीं है, फिर किस बात के नारे लगाती हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 6 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। गोपाल कांडा को लेकर हरियाणा से दिल्ली तक बवाल खड़ा हो गया है। क्या वो अब भी गोपाल कांडा का समर्थन लेगी या फिर कुछ और विधायकों की मदद से सरकार बनाएगी? गुरुग्राम से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे इस बीच उमा भारती ने एक ट्वीट किया है, आइए आपको वो ट्वीट दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहा है उमा भारती ने। उमा भारती ने लिखा है कि गोपाल कांडा बेकसूर है या अपराधी, ये तो कानून साक्ष्यों के आधार पर तय करेगा, किंतु उसका चुनाव जीतना उससे अपराधों से बरी नहीं करता। चुनाव जीतने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो ये लिखा है उमा भारती ने। बीजेपी से अनुरोध है, उन्होंने लिखा है कि आगे। और हरियाणा से चरखी दादरी से विधायक और बीजेपी के बागी सोमवीर सांगवान ने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। सोमवीर ने कहा है कि बीजेपी राज्य और देश हित में काम कर रही है, इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। दादरी से इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीते हैं सोमवीर सांगवान, सर किस पार्टी को आपका सपोर्ट है और क्यों? मैं बीजेपी को सपोर्ट किया है और उस संगठन में विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 साल से, इसलिए औरों से बेहतर जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए ये फैसला किया कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँ। क्यों इंडिपेंडेंट एमएलए हैं सर 2-3 जो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या ऐसा रीजन है ये? ऐसा वो अपनी सोच है, कोई क्या सोचता है कोई क्या सोचता है, हमने तो प्रदेश और देश के हित में ये फैसला लिया। आज जो संगठन जुड़े हैं वैसे में प्रदेश का हित है, तो इसलिए जो है ना हमने इसका समर्थन। सर आप तो बीजेपी में थे तब टिकट नहीं मिली, आप खुद से अपने बल पे जीते, वापस आप बीजेपी जा रहे हैं, तो ये किस तरह का मैसेज जाएगा? क्या आपको इन टर्न कुछ प्रॉमिस मिल रहा है, कोई अश्योरेंस दिया है भाजपा ने? ऐसा सब कुछ टिकट नहीं होता, कई बार हालात परिस्थिति बनती है, टिकट कट भी जाती है, लेकिन जनता ने जता दिया तो जिस विचार से आप जुड़ रहे हैं उसी विचार से जाएंगे, जब विचार नहीं मिलता तो आप जा नहीं सकते, इसलिए मैं कांग्रेस से दूसरी अदर क्षेत्रीय पार्टी में मेरा विचार नहीं मिलता। तो राष्ट्रीय पार्टी इसमें काम कर रखा है, इसलिए तो राष्ट्र पार्टी और जो एरिया और आपका है उसमें आपको लगता है काम करवाएगी अब पार्टी, चाहे आप इंडिपेंडेंट ही रहें? अगर 100% मुझे कोई शक नहीं है, मैं जनता की भलाई में सरकार से 100% काम करूंगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के बाद एक तरफ बीजेपी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की खुशी है तो सीटें कम होने का गम भी। बीजेपी की सीटें कम होते ही शिवसेना मुख्यमंत्री पद पर अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। उसने साफ कहा है कि 50-50 का फॉर्मूला लागू होगा।
में जीत का कमल तो खिल गया, लेकिन वो खुशी नहीं खिल पाई जिसकी उम्मीद थी। इस बार रास्ता पूरा साफ दिख रहा था, कांग्रेस कमजोर और बेबस दिख रही थी, शरद पवार की एनसीपी भी डाबाडोल थी, लेकिन अब की बार 200 के पार का नारा पूरा नहीं हो पाया। ऊपर से शिवसेना ने 50-50 फॉर्मूले का राग छेड़कर बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे साथ अभी मैंने कहा कि बुजुर्ग नेता सब मेरे साथ बैठे शिवसेना के, वैसे भारतीय जनता पक्ष के नेता भी बैठेंगे और जरूरत पड़े तो अमित भाई भी यहाँ आ जाएंगे और उस वक्त जो तय हुआ था उसके याद सबको दिलाएंगे। संकेत बेहद साफ है कि शिवसेना के मन में महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं। मातोश्री सत्ता में मजबूत भागीदारी के लिए मशल रहा है। आज मुखपत्र सामना में शिवसेना ने बीजेपी को बेचैन करने वाला एक और संकेत दिया, महाजनादेश का महा काट कर जीत का कद घटा दिया। कल शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बात कही है कि सत्ता आती है सत्ता चली जाती है, सत्ता की नशा अगर किसी के सर में जाती है तो लोगों को फिर उनको नीचे उतराना पड़ता है। हमारे पांव जमीन पर रहे हमेशा और जमीन पर रहेंगे। कुछ न कुछ तो बात है कि बीजेपी का जश्न फीका है। सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई है। हमारे साथ में हमारे गठबंधन के लोग, शिवसेना, ये सारे हम सभी को अच्छी सीटें मिली है। ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें लड़ी थी और हमारी 122 सीटें आई थी। वैसे देवेंद्र फडणवीस का रास्ता साफ दिख रहा है। शिवसेना की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी की ताकत को खुली चुनौती दे सके, लेकिन बीजेपी शिवसेना के रिश्ते का संतुलन तो हिला ही है। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर रही। 5 साल लगातार मुख्यमंत्री, 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। इस चुनाव ने हालात बदले हैं बीजेपी के लिए भी और शिवसेना के लिए भी। लोकसभा चुनाव तक रिश्ते में बीजेपी का बोलबाला था, लेकिन शिवसेना की मजबूती बढ़ी है और ये आने वाले दिनों में नए गुल खिलाएगा। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। चुनावी नतीजों ने महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे का कद बढ़ा दिया है। शिवसेना के हौसले सातवें आसमान पर हैं। मुंबई के कई हिस्सों में शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। ये देखिए, माननीय भावी मुख्यमंत्री, जी हां, वर्ली से इस बार पहली बार आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में उतरे और अच्छी खासी मार्जिन से उन्होंने जीत भी हासिल की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।